नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और ये जो चुनाव हैं दिन पर दिन अपना और ऊंचाई पर जा रहे हैं। जो इसकी तीव्रता है, जो इसकी ताप है इस चुनाव का, वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो हरियाणा का चुनाव है वो दलित के इर्द गिर्द घूम रही है यहाँ की राजनीति, क्योंकि हरियाणा में दो फैक्टर सबसे ज़्यादा हैं। अगर जातियों की बात करें तो वहाँ पर दो सबसे ज़्यादा हैं जातियाँ, एक जाट और दूसरा दलित। अगर जाटों की बात करें तो वो करीब 26-27% हैं, और अगर बात हम दलितों की करें तो वो करीब 21% की तादाद हैं। तो इस तरह अगर देखें तो ये बहुत बड़ा चुनाव में लुभाने के लिए वर्ग है, जाट और दलित। इसके बाद अगर हम दूसरों की बात करें तो वो छोटे हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो वो करीब 6-7% की उनकी तादाद है। उसमें भी अगर 90 सीटों की विधानसभा में अगर देखें तो करीब 3 सीटों पे मजबूती के साथ दिखते हैं, बाकी तो उसके बाद वो किसी सीट पे उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते मुसलमान। तो दोस्तों, आजकल जो बातचीत चल रही है वो कुमारी सैलजा की चल रही है, जो एक बड़ी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की और सांसद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी नाराज़ होने की खबर आ रही है, और वो नाराज़गी इस कदर है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कांग्रेस छोड़कर ये भाजपा में जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज़ हैं, उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण ये है कि वो एक दलित की बेटी हैं, वो एक दलित हैं, और उनको कुछ गलत कमेंट कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा, जिसकी वजह से वो काफ़ी आहत हैं। दूसरी उनकी आहत होने की वजह यह है कि उनको सीएम पद का कैंडिडेट बनना चाहिए था, ऐसा उनको लगता है, लेकिन पार्टी ने अभी किसी को भी सीएम पद के लिए कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो ये भी उनकी नाराज़गी का कारण है। तीसरी चीज़ क्या है कि कुमारी सैलजा कैंप के जो लोग हैं उनको वो टिकट दिलवाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि 30-35 लोगों को वो टिकट दिलवाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ 4 लोगों को टिकट मिला है। वो भी जो 4 लोगों को टिकट मिला है उनके खिलाफ कुछ दूसरे लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दूसरे सीएम पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी में। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है तो संभवतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। तो दोस्तों, ये सब कारण हैं जिसकी वजह से कुमारी सैलजा आहत लग रही हैं। इसके कारण उन्होंने कई कार्यक्रमों से अपने आप को दूर कर लिया है कांग्रेस पार्टी के, ना वो इस वक्त प्रचार कर रही हैं ना कुछ। अगर आज की बात करें तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कुमारी सैलजा जी के साथ एक मुलाकात करी है, एक मीटिंग करी है, जिसके बाद से कुमारी सैलजा अभी फ़िलहाल सभी अटकलों को मना कर दिया है। जो बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा था कि ये पार्टी में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इन अफवाह उन्होंने इन सब चीज़ों को अफवाह बोल दिया है, और वो पार्टी के लिए कार्य करेंगे 26 तारीख से, ऐसा रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि 26 तारीख से प्रचार करेंगी कुमारी सैलजा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव इतने नज़दीक आ चुका है कि एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से अगर इस तरह से समय निकलता चला जाएगा तो कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए, क्योंकि आज भी अगर देखें तो 26 तारीख आने के लिए कई दिन हैं। और ये एक पार्टी की बड़ी लीडर हैं, दलित लीडर हैं, और दलित समाज का वोट करीब 21% है। इसीलिए जिस पार्टी को देखो वो कुमारी सैलजा को अपनी पार्टी में बुलाना चाहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, ये सभी चाहते हैं कि हमारे पास कुमारी सैलजा जी आ जाएं। वो इसलिए नहीं कि उनको कुमारी सैलजा जी की चिंता है, कुमारी सैलजा जी की चिंता किसी पार्टी को नहीं है, बस वो इनके पीछे का वोट बैंक देखते हैं। उनको ये लगता है कि ये आएंगी तो इनके साथ हमें काफ़ी फ़ायदा होगा चुनाव में, काफ़ी राजनीति वो अपनी चमका सकते हैं इनके बहाने से। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल कुमारी सैलजा कहीं नहीं जा रही हैं, बाकी अगर भविष्य की बात तो किसी को नहीं पता कि कुमारी सैलजा क्या करने वाली हैं, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है ऐसा बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में सब मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको फिर से बता दूँ एक बार कि
हरियाणा के जो चुनाव चल रहे हैं इसको 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।